हेलो वेलकम गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड। और गाइज, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, रिसेंटली कुछ न्यूज़ आई हैं, कुछ लीक्स आई हैं, जिसमें बोला गया है कि Xiaomi Mi 11 डिवाइस में एंड्रॉइड 8.1 ओरियो अपडेट के बाद प्रोजेक्ट टेबल का सपोर्ट मिल जाएगा। तो अभी तक ये न्यूज़ हैं, लीक्स हैं, अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है। तो इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro डिवाइस के लिए, तो उस पर मैंने ट्राई किया था, उस पर मैंने ग्लोबल बीटा रोम फ्लैश करी थी 8.1 ओरियो वाली, तो वहां पे मुझे प्रोजेक्ट टेबल का सपोर्ट देखने को मिला था। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट टेबल क्या है और आपको और आपके एंड्रॉयड डिवाइस को इसका क्या बेनिफिट होने वाला है आगे। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बेनिफिट की बात करता हूँ, तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरर का फ़ोन यूज़ करिए, अगर आपके डिवाइस में प्रोजेक्ट टेबल है तो आपके डिवाइस में एंड्रॉयड जो रेगुलर सिक्योरिटी पैच है मंथली, और उसके साथ साथ जो मेजर अपग्रेड्स होते हैं एंड्रॉइड में, वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे अगर आपका मैन्युफैक्चरर चाहता है तो। बट आज के वीडियो में हम थोड़ा डेप्थ में जानेंगे कि भैया प्रोजेक्ट टेबल कैसे काम करता है, क्या है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के बाद गूगल ने अपने एंड्रॉइड OS फ्रेमवर्क को थोड़ा सा री आर्किटेक्ट या रीडिज़ाइन किया है, जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स को OEMs को ज़्यादा इशू ना आए OT अपडेट्स देने में आपके डिवाइसेस पे। तो गाइज, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूँ गूगल की या एंड्रॉइड की नई गाइडलाइंस के लिए। यहाँ पे गूगल या एंड्रॉइड ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें उन्होंने कहा है सारे मैन्युफैक्चरर्स को कि भाई अगर आप कोई भी डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो पे चला के या उससे ऊपर वाले वर्जन पे दोगे, यानी कि अगर आपको कोई भी डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 8 ओरियो पे या 8.1 ओरियो पे या एंड्रॉइड 9 पे मिल रहा है, तो इसका मतलब उस डिवाइस में प्रोजेक्ट टेबल इनेबल करके ही देना पड़ेगा किसी भी OEM को, किसी भी मैन्युफैक्चरर को। तो बात करते हैं अगर हम Xiaomi की, Asus की, Lenovo की, तो कोई भी कंपनी अगर आपको एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स दे रही है या उससे ऊपर का कोई OS आउट ऑफ द बॉक्स दे रही है, तो उसमें 100% उन्हें प्रोजेक्ट टेबल का सपोर्ट देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर वो डिवाइस आपने एंड्रॉइड 7.1 या उससे नीचे वाले कोई वर्जन में परचेस किया हो, तो उस पर 100% गारंटी नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट टेबल का सपोर्ट मिलेगा। बट यहाँ पे कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिन्होंने एंड्रॉइड नूगट पे फोन लॉन्च करने के बाद भी प्रोजेक्ट टेबल का सपोर्ट दिया है। अगर एग्जांपल देते हैं इस लिस्ट की, तो इसमें रेडमी नोट 5 प्रो डिवाइस शामिल है और भी बहुत सारे डिवाइसेस शामिल हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट टेबल का सपोर्ट बाद में इनेबल किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टेबल की, तो प्रोजेक्ट टेबल में बेसिकली किया क्या गया है कि आपके डिवाइस में, हमारे डिवाइसेस में अगर प्रोजेक्ट टेबल सपोर्टेड है हमारे डिवाइस, तो इसमें एक वेंडर पार्टीशन बनाया गया है। वेंडर पार्टीशन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो वेंडर से यहाँ पे हमारा मतलब है जो हमारे डिवाइस में चिप लगी हुई है वो किस कंपनी की है। जैसे कि सपोज हमारे डिवाइस में क्वालकॉम या मीडियाटेक या फिर किरीन की चिप लगी हुई है, प्रोसेसर लगा हुआ है, तो होता क्या है कि जब हमारे डिवाइस में कोई अपडेट आता है, कोई मेजर अपडेट या सिक्योरिटी पैच अपडेट, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वेंडर्स होते हैं क्वालकॉम या मीडियाटेक या किरीन, तो उन्हें भी अपने कुछ लो लेवल कोड अपडेट करने होते हैं पार्टीशंस में। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन यही होती है कि भैया OTA तो आ गया, उसके बाद पहले चिप मेकर या वेंडर अपडेट करे अपना कोड, उसके बाद जो OEM है जैसे कि Xiaomi, Asus, Lenovo या फिर Vivo, Oppo, तो वो अपना कोड अपडेट करें, स्किन अपडेट करें अपनी, उसके बाद जाके आपको OTA अपडेट मिल पाता था। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट टेबल में क्या किया गया है कि आपके डिवाइस में वेंडर पार्टीशन एक सेपरेटली बना दिया गया है, तो वेंडर अपना कोड कभी भी अपडेट करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एंड्रॉइड OS अपडेट्स हैं या फिर मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हैं, वो आपके डिवाइस में इजीली आ सकते हैं, और जो वेंडर वाला कोड पार्ट है वो वेंडर अपना इजीली अपडेट करता रहेगा बाद में भी। बट गाइज, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन अभी भी बरकरार है। अभी भी अगर आपका डिवाइस मैन्युफैक्चरर चाहता है कि भाई अभी इसको अपडेट नहीं देना है, तो हो सकता है वो आपको अपडेट ना दे। तो डिपेंडेंसी अभी हमारी OEMs के ऊपर रह गई है, बट वेंडर वाला पार्ट हमारा एकदम से अलग हो चुका है। तो अगर हम आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहें तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक रूम है, ठीक है, अभी हमारे पास एक रूम है। अब इस रूम में एक बड़ी सी टेबल रखी हुई है, ठीक है। तो अभी अगर हमें इस रूम को पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए हमें इस टेबल को हटाना पड़ेगा। जितनी बार हमें पेंट करना पड़ेगा इस पूरे रूम को, तो उतनी बार हमें इस टेबल को बाहर हटाना पड़ेगा। तो सपोज़ करिए कि हम इस टेबल को कहीं अलग कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, किसी दूसरे कमरे में, दूसरे रूम में रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारा बार बार टेबल हटाने का झंझट हो गया ख़त्म, और हम अपने कमरे को ईजिली पेंट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टेबल कुछ इसी तरह से काम करेगा आपके एंड्रॉयड डिवाइस में। तो अगर आपको मेरा एग्जाम्पल पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि भैया आपका एग्जाम्पल सही था। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं, मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि भैया इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। शायद आपको पता ही हो कि एंड्रॉइड डिवाइसेस में जो OTA अपडेट्स हैं, कई बार होता है कि भैया बहुत डिले हो जाते हैं। मतलब कि आप मान लो डिवाइस कोई खरीद रहे हो और वो लॉलीपॉप के ऊपर चल रहा है,
ठीक है। अभी क्या होता है कि उससे कोई अपडेट ही नहीं आता, ना तो कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट आता है, ना तो कोई मेजर एंड्रॉयड अपडेट आता है, उसमें कोई ओटीए ही नहीं आता। मतलब वो डिवाइस लॉलीपॉप में ही पैदा हुआ और लॉलीपॉप में ही मर गया, मतलब उसमें कोई अपडेट नहीं आया। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा अच्छा करने के लिए, थोड़ा इंप्रूव करने के लिए गूगल और एंड्रॉयड ने मिलकर ये प्रोजेक्ट टेबल निकाला, जिसमें कि उन्होंने वेंडर पार्टीशन वाले पार्ट को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, तो वेंडर अपना कोड अपडेट करता रहे, बट एंड्रॉयड जो है वो आपके डिवाइस में रेगुलर अपडेट्स दे सकता है और आपके डिवाइस में कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, यानी प्रोजेक्ट टेबल की बेनिफिट्स की, कि भैया किन किन यूजर्स को इस प्रोजेक्ट टेबल का बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा MI UI की, ASUS का जो Gen UI है, Vivo Oppo का जो कस्टमाइज्ड UI है और Samsung का जो एक्सपीरियंस UI है, उन यूजर्स की। तो यहाँ पे होता क्या है कि शायद आपको पता भी हो कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे वो अपने कोड को अपडेट कर देते हैं, साइट पे वो अपने कोड सब कुछ डाल देते हैं, उसके बाद Xiaomi, ASUS या फिर Samsung उस कोड को पिक करती हैं, उठाती हैं और उसके बाद उसे अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस करती हैं, कुछ नए फीचर्स, कुछ एडिशनल फीचर्स में ऐड करती हैं, तो उसके कारण वो हो जाता है पूरी तरह से कस्टमाइज्ड एंड्रॉयड। तो ये हमारे जो MIUI वाले डिवाइसेस हैं, एक्सपीरियंस UI वाले, टचविज UI वाले, ये सारे एक तरह से कस्टमाइज्ड एंड्रॉयड वर्जनस हैं। तो प्रोजेक्ट टेबल आने की वजह से उन यूजर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो इस तरह की कस्टम स्किन्स पे चल रहे होंगे, जैसे कि सैमसंग या फिर Xiaomi के MIUI पे या Gen UI पे या फिर Vibe UI पे, तो ऐसे टाइप के यूजर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है प्रोजेक्ट टेबल आने की वजह से। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि प्रोजेक्ट टेबल क्या है और कैसे काम करता है। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊँ तो प्रोजेक्ट टेबल अगर आपके डिवाइस में सपोर्टेड है तो आपके डिवाइस में एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट्स और मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स बहुत ही ईजिली आ सकते हैं, अगर आपका मैन्युफैक्चरर, डिवाइस मैन्युफैक्चरर चाहता है तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी गई ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, और आपके मन में कोई और सवाल या सुझाव हैं तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।